पूर्णलता दास जन आम नाबालिक 17 वर्षर गोखन स्कूल पढ़ुते पढ़ला भितर टीचर सहित कौन संपर्क था संपर्क को लेकिन माँ बापा मैंने बाड़ाबड़ी कर हत्या कर देते जोटा कि कहते सुइसाइड कि एक्चुअली सुइसाइड ना से अनर किलिंग आर तदंत केमती जो मैंने मीडिया सोशल मीडिया जना पड़ी जे सी जो चिट्ठी लिखी मानने जहाँपाई लिखी था माँ बापा पाखे लिखी छाड़ी जे मत विष दे सारी एटी बापा मत विष दे सारी बापा मत कौन बाड़ापी भाई मत कौन बाड़ापी तो ये क्लीयर जना पड़े ये सुइसाइड नुहे नेक्स्ट जिते जो प्रताप जो जहाँ भी बैट मानने वीडियो ऑडियो बाहर से पूरा क्लीयर हो जाटा गोटे निहाती मानने लाज्यजनक कथा किमती गोटे एक्स चेयरमैन गोटे पीटी टीचर माँ को फोन कर ईश्वत मागिला भाया कहे मुझ 15,000 देखिए आपको चपे दे 70,000 देखिए आपको चपे दे तुम व्यस्त हुए जदि सुइसाइड बाहरी था पोस्टमार्टम होता है जो भितर किसी फिजिकल एक्टिविटी थी कि किसी भी थी तेज़े ये जिनसा बहुत आगे मानते बहुत हैरान होता तो से 70,000 दाबी कर जिन टर्चर करापुर आउ गोटे तथ्य बाहर कौन ना झीर बापा को जो प्रश्न पचरा मीडिया जो प्रेस मीट्रे पचरा आप झील कि एक्सपायर कला कौन होता से कहते हैं फिट्स होता फिट्स रू मरीगला कि आज जाए झीर बापा कही पारना फिट्स रिपोर्ट कौ डॉक्टर देखते कि रिपोर्ट कहता कौ मेडिकल स्वर आंदोलन कर मुख्य कारण हूँ ऑनर किलिंग कौनपाई कारण सीए जिते बड़े चिठी लिखिक गोटे नुह दीटा चिठी दीटा चिठी लिखिक जाइंट मो बापा मत विष दे या कौन मु बचिले तुमर हेबी एमती समथिंग किसी लिखाही बचिले तुमर हेबी ना आई लव माय लाइफ वगैरह एम किसी लिखाही जोटा कि मीडिया आसूच आम देखीचु तो यहाँ ऑनर किलिंग टोटली सुइसाइड केस गोटे बापा मारी झी को जोटा कि बिलकुल भी अधिकार ना तार एंड सेकेंड जिनस गोटे ऑडियो वायरल जो ऑडियो रे से कहुई जे आप 70,000 टाँग दिंतु एंड ये केसटा को चपेदबा ये केसटा को किसी आईआईसी को कितना पैसा दिया हम एंड समथिंग कि तो से माँ भी सी सर माँ भी कही कि आप पोस्टमार्टम कहीं कले तो सी से कहले कि पोस्टमार्टम कले किसी फिजिकल रिलेशन जदि थी जना पड़ एंड ऑल तो जदि तर भूल था तो से मीडिया आगे कौनपाई आसी था सी कौनपाई कही था केसटा सी इवन एमती भी कहते पाउँशटा को भी डीएनए टेस्ट कर जदि किसी थी देन जना पड़ो सेमती भी किसी कहुई तो एंड थर्ड जिनस बापा को जिते पचराई झीर मर्डर केमती है ना मो झी मरीगला केमती ना फिट्स फिट्स किसी तो गोटे रिपोर्ट थी साइंटिफिक रिपोर्ट किसी थी तो किसी ना आजिकाली सबुठ डक्टर पाखे सब गोटे छोट डक्टर पाखे भी गोटे रिपोर्ट रोचे प्रेसक्रिप्शन एबे मंत्री संप्रुक्ति एथिपाई कि कारण गोटे एक्स चेयरमैन एत भी कैपेबिलिटी ना कि सीए जाके आईआईसी की दबेबे आईआईसी पाखे पैसा फोपाड़े कारण गोटे आईआईसी छोटकाटिया मनीष नुहे तो सीएर सेमती किसी राजनैतिक हाथ नथिले कदापि सी एमती कथबार्ता करते इवन फोन कल ले भी सी कहते आम मैटरटा को दबे दौ आम यू कथ उठाऊन आप 70,000 टाँग दिंतु आप बुझीपारना एमती सब ऑडियो वायरल होती तो ऑब्वियस कथा ये मर्डर तो सी से मर्डरटा को सुइसाइड नेम दौंस जोटा कि बिलकुल भी ठीक नुहे एंड मु पर्सनाली मो कथा जेहेतु आम भी गोटे झी मो सान भी भाया मो सान भीर होते कि मो एरिया हूँ मो लोकालीटी ओडिशा जो भी हो तो ऑब्वियस आम जब स्वर आंदोलन न करू किए कर एंड सेकेंड जिनस कार्यानुषान हो आम चाहूँ एंड से आम आज ये एकाठी हो जिनस कौन होना बापा भाई कौन से एक विशेष कारण पीटी टीचर सहित कौन संपर्क यू दृष्टि रखी बाड़ी हत्या करूँ हत्या करने आत्महत्यार ना दीजिए यापर कौन हो जिनसा को चपई देवाई चेषा कर चपे देवाई किपर चेषा कराई से जी एक्स चेयरमैन थे शरद नायक से पीटी टीचर माँ को फोन करी लाँच मागिंट आज्ञा मु आईआईसी को ये टाँग दे चपेदेवी एसपीडीओ को ये टाँग दे चपेदेवि तो ये जिनस मु मामला रफादफा करदेवि बार समस्या हेनी शरद नायक फोन कर पीटी टीचर माँ को जे ये जिनस को जदि जिनस आगे बढ़े तो आप असुविधा पड़े बार समस्या घटव तेणुक आप जिनस को अल्पर चपिदा दरकार तेणु जदि आम आज छात्र छात्री मैंने भाव सुरक्षित तो नाँ जे नाबालिका दशम श्रेणी में पाठ पढ़ुआ जे छात्री आम सान भी प्रति ये जो अत्याचार हो जो अन्याय होती विरोध कर आम मैंने प्रोटेस्ट कर
ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଜଣେ ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଶରତ ନାୟକ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ଯାହାର ଏହି ଘଟଣାରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ସେ କେବେ ବି ଏତେ ତାଙ୍କର ପାୱାର ହୋଇପାରିବନି, ଏତେ ବି ସେ ହୋଇପାରିବେନି ଯେ ଜଣେ IIC ସେ ଚପେଇ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ରପାଦପା କରିବେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, କାହାର ଏପରି ହାତ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଏବଂ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ସହିତ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରାଇଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ।